मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीवी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ही A1 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसको लेकर पिता और उनके बेटों के बीच में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से परिवार के लोग इस दुकान में बाहर से ताला लगाकर इसके अंदर 3 दिन से रह रहे हैं। इस दुकान के अंदर ये परिवार रह रहा है और बताया कि उनके ससुर अर्जुन चौरसिया इस दुकान को किसी से बेच दिए। अर्जुन चौरसिया के 3 बेटे हैं, अशोक चौरसिया, मनोज चौरसिया और ओम प्रकाश चौरसिया, जबकि ओम प्रकाश चौरसिया की मौत हो चुकी है। A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अर्जुन चौरसिया की बहू और उनके बेटे ताला लगाकर इसके अंदर 3 दिन से रह रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके ससुर अर्जुन चौरसिया ने दुकान किसी से बेच दिया है और जिसने ये दुकान खरीदा है वो दुकान पर अब कब्जा करने वाला है। वहीं इस पूरे मामले में नगर सेवक राजन कीने भी जाकर दुकान में रह रहे परिवारों से मुलाकात की और इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन में भी जाकर बातचीत की है। इस पूरे मामले में हमने दुकान के जो मालिक है अर्जुन चौरसिया उनसे भी बात की है, मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अर्जुन चौरसिया के जो बहू हैं, बेटे हैं, उन लोग जो इस दुकान के अंदर अपने आप को बंद करके रह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद नगर सेवक राजन कीरे ने क्या बताया, पहले वो सुनिए। क्या क्या मामला? क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम नीलम अशोक चौरसिया है और इनका नाम सुनीता मनोज चौरसिया। अच्छा, क्या मामला है ये रूम को लेकर, दुकान को लेकर? हमारे ससुर पागल हो गए, वो एक गलत औरत के चक्कर में आके सारी प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं, घर बेचते जा रहे हैं। ये गाला भी इसके इसके नाम पे है, वो बोल रहे हैं पहले इसके नाम पे लिख के दिया और बाद में ऑफ हो गए ना, तो फिर अभी वो दूसरे के नाम पे वो करके दे रहे हैं। 1 लाख में बोलते हैं। क्या नाम है आपके ससुर का? अर्जुन देव चौरसिया उनका पूरा नाम है और वो ये अभी ये गाला भी बेचने की तैयारी में है। अच्छा, अभी बेचे नहीं है? बेच दिए हैं, बेच दिए हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, आ रही है 3-4 दिन से कि मतलब तुम लोग वो कर दो गाला कर लेंगे। अच्छा, रोड पे ला देंगे, रोड पे ला देंगे, हमारे पति मेरे पति अपाई है, मेरा भी आदमी ब्यौरा है, मतलब कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते, कर दो शादी कर ले लिया है और हम लोग को और अभी गाले का सहारा है। एक बोलो हम लोग को यही गाले का सहारा है, बेचारी की दो छोटे छोटे बच्चे, इसका अभी ऑपरेशन हुआ है, 15 दिन भी नहीं हो रहा है, इसका अभी सीजर हुआ है, 10 दिन की बच्ची है इसकी और ऐसी हालत में हमको ना आराम मिला ना खाने पे, हम लोग जेल जैसा रह रहे हैं। कितने दिन से ये दुकान में आप लोग बैठे हुए हैं? आज 3रा दिन है हम लोग का, हम लोग यही खौफ में है कि वो दूसरे को घुसा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। ये बेचारी यही दो बच्चों को लेके यहाँ पे हम लोग दे दिए, ये बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा इनका पति बेवड़ा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके, आपके ससुर कितने बच्चे? दो बेटियां हैं। आपके ससुर के कितने हैं? उनके 3 लड़के 1 बेटी है और हमारा केस वगैरह पहले से चालू है। ये दुकान को लेके? हाँ, ये दुकान को लेके कोर्ट में है, मैटर कोर्ट में मैटर है और सास भी मेरी ऑफ हो गई इसके चक्कर में, मेरे बड़े जेठ थे वो भी ऑफ हो गए, हम लोग अभी भी वो लोग वो हो गए, तो और हम लोग पैसा खिला खिला के सबको स्टेशन इधर उधर घूमने लोगों को खिला खिला के बार बार हमको टॉर्चर करता है। और तो कितने में बेचे ये घर को, कुछ मालूम है आप लोग को दुकान को? वो अपना पेपर शो नहीं कर रहे जिसको बेचे, हमारा पेपर मांग रहे हैं, अपना पेपर शो नहीं कर रहे कि हमने किसको बेचा, कितने में बेचा, और हम उनसे पेपर मांग रहे हैं, तो हम हमारा कोर्ट मैटर चालू है, हम कोर्ट में पेपर दिखाएंगे, इनको क्यों दिखाएं? पुलिस हमको आके बोलती है हमको पेपर दे दो, हम उनको देंगे, वो हमसे पेपर ले लेंगे, वापस ही कर देंगे। कैसे मालूम पड़ा कि एक दुकान तो पेपर ले लिए क्या उन लोगों ने? दूसरे लोग आए हैं जिसको तो पेपर ले लिए क्या वो लोग? हाँ, जो कल पेपर दिखा है हम लोग का कोर्ट मैटर वो ले लिए, दिए नहीं। और इनके पति किसने लिया? वो एक अंदर साहब है पुलिस स्टेशन में, ये गई थी, इन्हें देखेंगी तो पहचान जाएंगे, इनको बुलाए थे, इनके नाम पे है। अच्छा। और इनके पति को शाम तक बैठा के रखा था अंदर जबरदस्ती। और मेरे पति अपाई जो कि इधर उधर है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही, उनको भगा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अशोक चौरसिया है, वो गए थे पुलिस स्टेशन में, पेपर दिखा रहे कि इतना इतना प्रॉपर्टी बेच दिया है, तो हमारी को ऑपरेट कीजिए, हमारा ससुर ऐसा मतलब हमारे पिताजी ऐसे हो गए, सब बेच रहे, फिर भी वो नहीं सुन रहे थे।
ध्यान नहीं दे रहे, बोलते हैं जिसके नाम पे हम वो करेंगे, ऐसे हमारा भी तो सुनना चाहिए। हम वो शादी करके लाए थे, दहेज लेके हमसे शादी की है वो अपने बेटों की, और हमको तब नहीं बताए थे तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, आज उनकी गलती, हम अपने बच्चों को कहाँ जाएँ, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, ये भी चला जाएगा, हम क्या खाएंगे जीने, पति ऐसे कमाने लाएंगे, तो कम से कम ये गाली के सारे किराया भाड़ा या खुद चला के हम लोग जैसे भी जीविका चला रहे, अब वो भी छिन जाएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमें जान ही देनी पड़ेगी। तो क्या चाहते क्या है अभी आप? सर हमें चाहते कि यहाँ से जो भी पुलिस अच्छा कोर्ट में जो मैटर है वो किसके किसके बीच में है? वो हमारे ससुर के बीच में है, आज 2016 में उन्होंने हमको भी अच्छा आपके आपके ससुर में और आप लोगों के बीच मेरी सास और तीनों बेटों को बंद करवाया था, हमने सब जामीन देके सब छूटे हैं, और इस दुकान का 2016 से मैटर चालू है, और पता अब हम लोग के हाथ में है, पर फिर भी वो वापस से आके वही चीज़ दोबारा कर रहा है, अभी तक कान बैठा था। सर इतना प्रॉब्लम है, आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, और हमारी बच्चों के उम्र देखिए, हमें रोड पर आने से बेघर होने से करिए प्लीज़। अब मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर विधायक साहब सबसे हमने हाथ जोड़ के निवेदन कर दी कि बेचारी का ऑपरेशन हुआ, इस पर तरस जाइए, ना इसको खाने को मिल रहा है ना बैठा है, बच्ची इसको दूध नहीं होगा तो एक बच्ची मर जाएगी, 10 दिन की बच्ची पी नहीं खाएगी, तो इसको भी पीलिया हुआ है, ये एडमिट थी अभी छूट के आई है, इसको ना दूध दिखाने मिल रहा है ना डॉक्टर ने इसको बोला सुबह की दूध दिखाने, हम अंदर जेल में कैदियों जैसा रह रहे हैं, तो डर के मारे कि कब फोन आके हमको निकाल दे धक्का मार के। दादा क्या मामला है? क्या मामला था सर? क्या है उनका आपसी मामला है और उसमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व किया है, मैंने सीनियर साहब को वही विनती किया कि क्या मामला है ना उनका, इतने सारे कोर्ट मैटर चल रहा है और उनको सिविल मैटर में बोल के कोर्ट में भेज दो, कोर्ट में देख लेंगे क्या करने का। एक परिवार पूरा उसमें दुकान के अंदर बैठा हुआ है और बताया जा रहा है, परिवार का कहना है कि उनके ससुर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, किसी महिला के चक्कर में है क्या है, और उन्होंने रूम ये दुकान किसी को बेच दिया है, ये सब बातों को अपने को ये नहीं करने का। वो तो क्या है उनका आपस में बैठ के अगर उन लोग कर देते क्या बाप बेटे का क्या है, उनका कहना है कि इसी दुकान से उनका खर्चा चलता था और ससुर जो है वही दुकान बेच दे रहे हैं। अभी आप गए थे मिले, क्या डिसीजन क्या हुआ, पुलिस से ने भी आपने मुलाकात की? पुलिस ने कहा है बाप बेटा को बिठा के क्या है उनका सेटलमेंट करने के लिए कोशिश करो, क्या है देखते क्या क्या मामला है। जी सर हमारे घर का सिविल मैटर चल रहा है, पिताजी कुछ गलत संगत से गलत लोगों के साथ में रह के कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमारी जितना भी उनके नाम पर प्रॉपर्टी थी बेच दी, अभी जो बहू के नाम पर प्रॉपर्टी थी उसको अभी दोबारा बेच रहे हैं, और हमारा सिविल मैटर चल रहा है, पुलिस हमें बार बार आके बोले तुमको साफ बुलाए, ये बुलाए, वो बुलाए, आज 6 दिन से हम लोग रहना जीना दुखार का सारा दुखार कर दिए, सारा परिवार मेरा वहाँ पड़ा हुआ है, अब मेरी छोटे वाले भाई की औरत जो अभी 12 दिन की डिलीवरी हुई उसकी, उसका सीधा ऑपरेशन हुआ है, उसको भी परेशान करके रखे, हम लोग आज दुकान में दावा बना के रखना पड़ गया, हम लोग एकदम इतना अंधा कानून हम लोग कहीं नहीं देखे जितना मुमरा में चल रहा है। और मेरी सबसे मांग है ये, मैं कल भी मांग किया था प्रसार माध्यम के सामने से कि विधायक साहब, यहाँ के सीनियर साहब, थाना कमिश्नर साहब, कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी बात को बैठ के समझा जाए। अभी ये दुकान किसके नाम से थी? अभी ये दुकान छोटी वाली बहू के नाम से थी। अच्छा तो ससुर ने उनके नाम पे ये मेरे पिताजी किए थे, अब ये हमारा सिविल मैटर चल रहा है, अब ये आगे कहीं से दादा वालों को लेके आके बेच रहे ये सब कर रहे, कोई सौदा होता है सौदा का तरीका होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट कोई आके डायरेक्ट बोलेगा कि कागजात किसके पास है जो कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है अभी, कागजात हैं आपके पास सब? कोर्ट का पेपर मेरे पास है, केविड का पेपर है, हमारा मैटर चल रहा है, सब पेपर है, उसके बाद कैसे डिस्प्यूट प्रॉपर्टी उस पर कैसे डायरेक्ट कोई सौदा कर लिया, केविड है हमारे पास, सारा पेपर है हमारे पास, 2016-547 केस नंबर है। वहीं इस दुकान के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया कि मामला इस दुकान का कोर्ट में भी चल रहा है, मगर वहीं अर्जुन चौरसिया से जब हमने इस पूरे मामले पे बातचीत करना चाहा, उनसे कैमरे पर पूछना चाहा, तो वो फिलहाल इनकार कर रहे थे, मगर स्पाई कैमरे के जरिए हमने उनसे जो बातचीत की है वो आपको सुनाते हैं। अच्छा वो घर किसके नाम पे था? कौन सा? ये घर, ये दुकान मेरे नाम पे। वो लोग आपके बहू हैं, वो बोले कि हमारे नाम पे। क्या किया इसने, क्या किया है? अर्जुन बन के मैं बन के और अपने बीबी के नाम पे सेल कर दिए, ऐसा एग्रीमेंट बनाया, वो एग्रीमेंट का काफी उधर मिला है। वो लोग तो ऐसा बोल रहे कि तुम किसी औरत के चक्कर में पड़ के सब बेच रहे हो, गंवा रहे हो। इस उम्र में कौन सा औरत चक्कर पड़ेगा, उम्र हर दिन की उम्र होता है, 67 चल रहा है, 67 में कौन सा चक्कर करेगा, तो ऊपर वाला को मालूम है। अच्छा फिलहाल ये दुकान तो आपके नाम से थी ना? केवल है ना, कितने में सौदा किए?
टैक्स इनके नाम पे, लाइट बिल के नाम पे, सबका बिल के नाम। तो बच्चों को भी कुछ दिए होंगे ना कहीं, बच्चों को भी कुछ दिए होंगे ना कहीं। अब ये बताओ, प्रेम से लेंगे कि मार के लेंगे, आप बताओ किसी से लेना है? प्रेम से लेंगे, कैसा बोले आप, आपकी औलाद है तो आपको देने के प्रेम से लेंगे कि मार के लेंगे? एक घर एक दुकान दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। दूसरे जगह पे दिए आपने? कब्जा करके बैठा कलवाम पे ही, दो गाला कमरे, एक करोड़ गाला, एक करोड़ का। तो आपके जो बहु लोग हैं उन लोग का कहना है कि इसी से हम लोग का खर्चा चलता था, इसी से, और यही ससुर हमारे बेच रहे हैं। इसी से चलता था, इसी से सब में बनाया। आपको ना, आपके भाई जो है ना, उनको पूछो मेरे बारे में, इसी से 40 साल में दुकान चलाया, आज तक मेरे नाम पे कैसे भी नहीं कराया। खाली इनके लिए जो कंपनी वो मिला हुआ वो आप अभी पेपर किसके नाम से था उसका दुकान का ओरिजिनल पेपर? मेरे नाम पे। कुछ कोर्ट वोट में था क्या मामला इसका? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। उनके पास क्या कोर्ट में जाए, कुछ है ही नहीं उनके पास। देख मेरे नाम पे, लाइट मेरे नाम। अभी ये बीच में दो तीन महीने पहले वही ये सेल एग्रीमेंट बनाया, मनोज छोटाला लड़का मनोज है, उसके ऑर्डर का नाम सुन रहा मैं अर्जुन, मतलब मेरा नाम डाल के मैं बन के मनोज अपने नाम औरत के नाम पे सेल कर दिया, उसी पे मीटर लगवा लिया। एक मीटर मेरे नाम पे, एक मीटर उधर वाली जो कलवा की दुकान है वो कौन चला रहा है? ये लंगड़ा जो है वो चला रहा है, एक भाड़े दिया है, एक खुद चला रहा है, क्योंकि यार भाड़ा ले रहा है। इस पूरे मामले में ससुर ने दुकान बेच दी है, तो वहीं परिवार के लोग इस बेचने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यही दुकान उनका सहारा था, और ऐसे में ससुर अर्जुन चौरसिया के ऊपर भी प्रॉपर्टी बेचने का इनका परिवार आरोप लगा रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।